नमस्कार दोस्तों, मैंने जिस इन दफे टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार सुर्खियों में डेरा सच्चा सौदा की हेडलाइंस काफी लंबे समय तक रही थी, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने आने की तो डेरा सच्चा सौदा का एक भी अनुयायी सामने नहीं आया, ना ही उसने ये गवाह दिया कि गुरु जी ने ये गलत किया है हमारे साथ। आए तो आए कुछ चंद लोग बस, जिनकी मीडिया सुनता रहा और लोगों को सुनाता रहा, मगर आखिर 6 करोड़ लोगों की कौन सुनेगा और कौन जनता को बताएगा कि आखिर सच क्या है। जो जाता है उसे पता होता। तो आज हमारे साथ एक यूथ भाई जुड़े हैं, जानते हैं आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? सर क्वालिफिकेशन क्या है? सर आप मतलब एक एजुकेटेड मान लिया जाए आपको और यूथ भी है, उसके बाद भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने का क्या कारण? हमारा जो परिवार था पहले, सबसे पहले तो जुड़ा ही हुआ, लेकिन लगभग आज से 20 साल पहले 2000 में मैंने नामदान लिया था। तो उस समय से ही हमारा परिवार और मैं तेजी के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मेन कारण यही है कि जब भी हम वहाँ पे उसी वक्त से हम जा रहे हैं और हमें वहाँ से शिक्षाएं जो मिल रही है उससे हमारी ज़िंदगी अच्छी हुई है। आज भी हमारा परिवार बिल्कुल सही जीवन व्यतीत कर रहा है। सर आपके जीवन में कुछ बदलाव आए हैं आपको लगता है? बिल्कुल ही, गुरुजी से जुड़ने के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ मौका, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो मेरी एज के बच्चे हैं वो ज़्यादातर ड्रग यूज़ कर रहे हैं, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनमें बुराइयाँ। सबसे जो ड्रग है, जो नशा है, वो सबसे मेन कारण है दूसरी बुराइयों। तो सबसे बड़ी तो देन उनकी यही है कि मैं नशे से दूर हूँ, क्यों बचपन से जुड़ा हुआ हूँ तो नशे से दूर हूँ, तो ऑब्वियसली दूसरी जो बुराइयाँ हैं उनसे मैं हमेशा ही दूर हूँ। उन्होंने ज़िंदगी जीने का हमें सलीका बताया है और बताया है कि मानवता भलाई के काम हमें करने चाहिए। और आज लगभग 134 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं और पूरी संगत उनको कर रही है, ठीक है? तो ये सभी उन्हीं की देन है। सर आप कहते हो कि गुरुजी ने इतना मानव समझा के कार्य, मगर वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ व रिपोर्टर जो एक के बाद एक गलत खबरें पेश की। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात 2007 की है शायद, जब ये हुआ था ये वाला, उस वक्त से हम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। तो अब हम तो बचपन से ही जा रहे हैं वहाँ पे, हमें पता है क्या हो रहा है, लेकिन जब हम आके देखते हैं कि न्यूज़ चैनल पे क्या दिखाया जा रहा है तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। बस बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनको कोई नहीं पता, ना ही वो आते हैं बाहर से, पता नहीं कौन से वो सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और 2017 में जैसे पिताजी अंदर चले गए, तो उस वक्त से हम पहले तो हमने देखा ही नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जब हमने देखी ना तो इतनी फेक न्यूज़ थी वो कि हम देख के उसके बाद उस दिन से आज तक मैंने शायद ही कभी जो ये हमारे मेन स्ट्रीम वाले न्यूज़ चैनल है वो देखे नहीं है आज तक। और इसके अलावा मैं आपको एक इंसिडेंट बता दूँ, अभी 2-3 दिन पहले का है। एक आपको भी पता होगा द लर्निंग टॉप है न्यूज़, वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है उसकी न्यूज़ चैनल की, वो मैं देख रहा था। वो शायद अनुराग पाठक है शायद, उन्होंने कहीं पर एक बुक लिखी थी, ठीक है? तो वो बुक में उसके बारे में बता रहे थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने, मैंने रिसर्च काफ़ी टाइम की है, और वो एक इंसिडेंट की बात बता रहे थे कि वो जो प्रेमी होते हैं ना, जो वहाँ पे जाते हैं उनके अनुयायी हैं, वो उनको जो हमारा लंगर होता है उसमें एक भुक्की होती है ना, वो डाल के देते हैं और वो 2-2 दिन बिना खाए ही काम करते रहते हैं। हम बचपन से डेरा से जुड़े हुए हैं, हम बचपन से जा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी जितनी निकली है तो महीने में 1 या 2 बार तो हम जाते ही हैं। हम खुद वहाँ पे सेवा करते हैं, हमारी बहनें हैं खुद लंगर बनाती हैं, ठीक है? उसके बावजूद तो आप देखो कैसे रूमर फैलाए जा रहे हैं। और वो जो एक इतना बड़ा लेखक है अनुराग पाठक, में उसका देख रहा था कि शायद हाँ वो एक ट्रस्टेड चैनल है, मैं ज़्यादातर वो ही देखता हूँ लर्निंग टॉप, लेकिन उस पर भी इतनी गलत बात, क्योंकि हमें पता है हम जा रहे हैं, हमारी बहनें वहाँ पे लंगर बनाती हैं और वो कह रहे हैं कि वो लंगर में भुक्की डाल के देते हैं ताकि 2-2 दिन तक वो काम करते रहते हैं। लेकिन बात तो कुछ और है कि वो प्रेम है मालिक का, वो उनके लिए उनकी अगाध श्रद्धा है जिसके कारण वो लगे रहते हैं, ठीक है?
सर डेरा में जो लड़कियां जाती हैं आपकी भी माताएं बहनें होंगी तो वो जाती होंगी, तो आपको क्या लगता है कितनी सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। हम बता रहे हैं कि कब से हम डेरा के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज तक ना ही कभी देखा है, ठीक है, अलग से वहाँ पे हॉस्टल्स बने हुए हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, आज तक कभी देखा सुना तक नहीं है, देखना तो कोई और बात है। तो पता नहीं ये कहाँ से कैसे क्यों क्या हो रहा है, ये मीडिया में सर विश्वास है आपका कितना विश्वास? बिल्कुल बिल्कुल दृढ़ विश्वास है सर। मीडिया में जो भी कुछ दिखाया गया वो तो आपने बताया कि कैसे वो अलग है उन बातों से, मगर मीडिया में केवल एक गुरु जी को नहीं टारगेट किया गया और ना ही केवल संस्था को, वो आप सब लोगों को भी टारगेट किया गया है पर्सनल लेवल से जो वहाँ जाते थे डेरा सच्चा सौदा। तो आप क्या करना चाहोगे, अपील सरकार से कि ऐसे चैनलों को बंद करवाना चाहिए या उन पर कार्यवाही होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जैसे एक मूवीज बनती है सेंसर होता है, लेकिन इनको सेंसर करने वाला कौन है? कोई भी सूत्र के हवाले से कोई खबर दे देता है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई को कौन कौन जाके देखता है कि ये सच्चाई है या नहीं? लेकिन हमारे जो पूरी दुनिया है या हमारा देश है वो चैनल कौन से देखते हैं? जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल वही देखते हैं, लेकिन वो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसको मान लेते हैं। अब देखो जो हमारी संगत है वो तो 5-6 करोड़ है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी 130 करोड़ की जनता है, उनको सच्चाई कौन बताएगा? कौन बताएगा? हमारे न्यूज़ चैनल बताएंगे। लेकिन अगर हमारे न्यूज़ चैनल ही सूत्रों के हवाले से पता नहीं वो सूत्र कौन है, ऐसे कुछ रूमर्स फैला देते हैं और सभी जनता उस पर विश्वास कर देती है, और इसी ये छवि खराब होने का सबसे बड़ा कारण हमारे न्यूज़ चैनल ही है। तो मैं चाहता हूँ या तो कोई ऐसी कोई इनको सेंसर करने वाली संस्था बनाई जाए या इन पे लगाम लगाई जाए, उनको बंद करवाया जाए, और ऐसा ना हो कि किसी की भी आदमी की ये सूत्रों के हवाले से कोई खबर चला देते और उसकी छवि खराब कर देते हैं। तो ये हमारी सरकार से भी अनुरोध है, और ज़्यादातर हमारे जो व्यूज़ होते हैं, जो हमारी जनता है, उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि कुछ भी अगर न्यूज़ चैनल पे अगर आप देख रहे हैं तो उसका एज इट इज़ आप ना मान लिया करें, उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें, आप जाके देखें, आपको लगता है आप रिसर्च करें फिर मान लें, लेकिन ऐसे अगर आपको कुछ कह दिया जाए तो ऐसे ही मान लेंगे तो ये सही नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जनता से, समाज के लिए मतलब अगर अभी गिनाने लग जाए तो पता नहीं 2-3 घंटे शायद वो भी कम पड़ जाए, क्योंकि 134 मानव लड़ाई के काम है जो जनरली हम करते हैं वो तो करती हैं, और सबसे ज़्यादा जो गुरुजी ने काम किया है वो औरतों के लिए किया है, गर्ल्स, ठीक है। आज फेमिनिज्म की बात करता है, हर कोई करता है, लेकिन जब खुद पे पड़ती है तो करके कौन दिखाता कौन है? उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं, आज तक वैश्यवृत्ति में जो प्रोस्टिट्यूशन में जो प्लीज जो लड़कियां थी उनके लिए उनको कहा गया, उनके पास भी गए कि हम आपके लिए लड़के ढूंढ के देंगे, और लड़के भी आप उनका जज्बा देखें, वो लड़के जो प्रोस्टिट्यूशन में गर्ल्स गई हुई हैं और उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, वो ये प्यार ही है उनके लिए। और उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि एक दो दिन पहले हम ऐसी फेमिनिज्म पे बात कर रहे थे और उसमें बात कर रहे थे कि लड़कियां हैं जो उनको पहले तो शादी एक उम्र होती है 18 से 25 या 30 साल के बीच में उनका शादी होके वो अपने मायके चली जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं यही बात पूछ रहा था कि लड़कियों को ही क्यों जाना पड़ता है? पहले उनको ये कह दिया जाता है कि ये हमारा ये वाला तुम्हारा घर नहीं है, जब से वो पैदा होती है उनको कह जाता है ये तो उसका घर नहीं है, इसका घर तो कोई और है, वहाँ पे जाएगी आधी उम्र तक वो यहाँ पे पराई रहती है, वहाँ पे जाती है जब वो कहते हैं ये तो कहीं से आई हुई है, पूरी उम्र बीत जाने पर भी वो कहते हैं लड़ाई में कुछ भी कि तुम तो वहाँ से आई या ऐसी थी वैसी थी। तो मैं यही बात पूछना चाहता हूँ कि ये लड़कियों को ही क्यों जाना पड़ता है, लड़के क्यों नहीं जा सकते? लेकिन पिताजी ने यही सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने एक कार्य ये चलाया कि लड़के भी शादी करके कहीं और पे उनके लड़की के जहाँ लड़की ब्याह के लेके जाएगी और लड़का वहाँ पे जाएगा।
वहां पे रहेगा। ये सबसे बड़ी ये समाज के लिए ये देन है, ये दो मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। और इसके अलावा तो 134 मानव भलाई के काम है इंटरनेट पे। कहा कि लड़कियां भी शादी मतलब लड़के ले जाती है, तो मतलब इतना बड़ा चेंज समाज में लेके आए तो कुछ तो रीजन होगा, मतलब एक सिचुएशन होगी जो गुरु जी ने उसको समझा, क्या रीजन था? बिल्कुल जी, आप देख लीजिए कि जो उनको इतने फॉलोवर्स हैं उनके, उनके एक आदमी है, हम गली में चले जाएंगे आपके पीछे दो आदमी नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ तो वजह है कि ये इतने फॉलोवर्स हैं उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको कुछ मिल रहा है वहाँ से, उनको पता चल रहा है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, उनको पता चल रहा है कि हमारी अगर हम जिस हिसाब से गुरु जी बता रहे हैं अगर हम उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे हम भी ठीक रहेंगे, हमारा समाज भी अच्छा बनेगा। तो यही सबसे बड़ा यही कारण, उनको नब्ज पता है और वो जो बुराइयां उनको दूर करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और इसी वजह से उनको जो लोग बुराई के नुमाइंदे हैं ठीक है, और जो मीडिया वाले उनको ये रास नहीं आ रही, इसलिए वो उनको बदनाम करना चाह रहे हैं और उन पे लांछन लगा रहे हैं। सर, समाज में आज गुरु जी की कितनी जगह? जरूर तो ऑब्वियसली है, आपको पता ही है कि आज हमारे कितनी बुराइयां घर कर गई हैं हमारे देश में, हमारे समाज में। तो जितने भी काम है वो मानवता भलाई के ही काम है, अगर वो नहीं होंगे, हालांकि आज भी जो हमारी संगत है वो 134 मानव भलाई के काम है उनको निरंतर कर रही है, लेकिन फिर भी अगर उनको और चोटी तक लेके जाना है तो उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके अलावा जितने भी जैसे हम हैं, हम नशों से दूर हैं और दूसरी बुराइयों से दूर हैं, तो इसके सबसे बड़ा मैं श्रेय पिता जी को ही देता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, हमारी संगत है, और इसके अलावा भी आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ मैं। कुछ कई साल पहले की, 5-6 साल पहले की बात है, कि हम थे कुछ जो होते हैं बुराई में प्लीत होते हैं, जो नशा करते हैं उनको नाम दान दिलवाते थे, फ्री में लेके जाते थे और उनको घर पे छोड़ देते थे। हम हमारे पास एक गांव है मेहनसला में, तो ऐसे ही हम सुबह जा रहे थे, एक हमें हमारी एक टीम थी, हम जा रहे थे, वहाँ पे हमें एक आदमी मिला, वो शराब में पूरा धुत था और जाके वो अपने परिवार वालों से लड़ रहा था। तो उनके परिवार वालों ने कहा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, हमने कहा कि हम सिरसा जा रहे हैं तो नाम दान दिलवाने के लिए, वो बोले कि इसको भी ले जाओ। वो ऐसे ही शराब पी हुई थी उसकी, हमने उसको अपनी बस में बिठाया और वहाँ पे ले गए, हमने उनको खाना खिलाया, उनको नाम शब्द दिलवाया और लाके उनके घर पे हम छोड़ आए। और कुछ लगभग 3-4 महीने के बाद दोबारा मैं दरबार में गया हुआ था, तो वो आदमी आया, मुझे मैं पहचाना भी नहीं उसको, मेरे पास आया और हाथ लगा के जोड़ के नारा बोलने लगा, और भैया ही पहचाने तो हमने नहीं पहचाने, तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे करके, मैं शराब पी हुए था, उसके बाद आज तक मैंने हाथ तक नहीं लगाया और हमारा जो परिवार है ठीक है वो बिल्कुल ठीक है अब। पहले हमारे हमारे घर पे हर रोज लड़ाई होती है, लेकिन उसके बाद जैसे मैं शराब छोड़ दिया, आप गुरु जी के साथ लगाऊँ, तो मेरे हमारी जिंदगी, हमारे परिवार की जिंदगी बहुत अच्छी है। वो मुझे उसका श्रेय दे रहे थे, लेकिन ये उस मालिक का ही श्रेय जिसने हमें उनके साथ जोड़े रखा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी समाज में बुराइयां उनको दूर कर सके। तो इसीलिए इस समाज में पिताजी की जरूरत तो बहुत ज़्यादा है, गुरु जी की जरूरत बहुत ज़्यादा है। ग्रीन एज वेलफेयर फोर्स, वैसे फोर्स जब फोर्स नाम आता है तो ऐसा लगता है कि ये कुछ आर्मड फोर्स है या कुछ उसके लिए है, लेकिन ये एक नौजवानों की, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, जहाँ तक कि आजकल बच्चे भी आ गए हैं उसमें, शायद टीनेजर्स की बनी हुई है, तो ये एक फोर्स बनाई हुई है, एक ग्रुप बनाया हुआ है जो मानव भलाई के काम करता है। अगर कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं पे सूखा पड़ जाए, कहीं पे आपकी या कुछ भी स्टॉर्म आए, तो वहाँ पे जाती है ग्रीन एंड वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार जाते हैं, बिना किसी को अपने ही खर्चे पे जाते हैं वहाँ पे, अपनी जान की परवाह किए बिना, ये अपनी जान दांव पे लगा के पूरी दुनिया की जो दुखी है उनकी हेल्प करते हैं। ये ऐसी ग्रीन एज वेलफेयर फोर्स बिंग है। बिल्कुल, ये बात नरकंकाल वाली मैं बता रहा हूँ कि 2017 में जैसे मैंने
वो न्यूज चैनल देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि दरबार को खोदा गया और वहां से नरक कंकाल निकले, लेकिन हालांकि दो तीन दिन तो वहां उसके बाद हम वहीं थे, तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, खुदाई तो की ही नहीं गई थी उस वक्त तक नहीं की थी, लेकिन वो रूमर्स क्या फैलाए गए कि नरक कंकाल मिले। तो उसके लिए ऐसे कि जैसे कि दरबार में मेरे हिसाब से जो हुआ होगा, दरबार में जैसे हमारी अस्थियाँ होती हैं जो लेके जाते हैं हमारे जो भी स्वर्गदार जाता है, सत्संग चलाया जाता है, तो वहाँ पे उस जो अस्थियाँ होती हैं उनको रख के उस पर एक पेड़ लगाया जाता है, तो उनको हमारे जो फील्ड्स हैं वहाँ पे बोया जाता है, तो हो सकता है कि वो हों, अदरवाइज उसके बाद भी खुदाई की गई और वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये भी कह रहे थे कि वहाँ से आर्म्स वगैरह मिली कुछ, AK-47 ऐसा कुछ भी नहीं, ये सभी रूमर्स फैलाए गए हैं मीडिया के द्वारा। सर आपने कहा कि मीडिया के द्वारा रूमर्स फैलाए गए और अभी इससे पहले ग्रीन एसएल फोर्स को भी मिला, तो क्या इसका फोर्स का हिस्सा लड़कियां भी, गुरु जी ने लड़कियों को भी देश के लिए तैयार किया? ये सबसे बड़ी बात मुझे जो पसंद आती है गुरु जी की वो यही है कि आज से कितने हमारी 5000 साल पहले की जितनी हिस्ट्री है हमारी ये इसकी धरती की अब तक जो हमें समझ आता है, तो उस वक्त आज तक ये जो हमारा समाज रहा है ये मर्द प्रधान समाज रहा है, चाहे कुछ भी हो उसमें क्या होता है कि मर्द ही प्रधान होते हैं, तो कुछ भी काम होता है उसमें आगे कौन होंगे, मर्द। लेकिन गुरु जी ने सबसे पहली बात ये कि अगर मर्द होगा वहीं उसी के बराबर वो पूरा अधिकार देंगे एक औरतों को, गर्ल्स को। तो बिजनेस में भी ऐसा ही है, बहनें भी हैं ठीक है, जो माताएं भी हैं और छोटे भी आगे टीनएजर्स भी आ गए, वो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा काम कर रहे हैं। सरकार से तो यही अपील कर रहे हैं कि जो ये केस था अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में लगा हो, इसकी उसको थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से जांच करें, और हमें अपना विश्वास है हमारे गुरुजी पे, और ये विश्वास इसीलिए नहीं है कि हमारा विश्वास, एक तो अंधविश्वास होता है, एक दृढ़ विश्वास होता है कि आदमी ने देखा होता है सब ठीक है, उसके बाद आदमी कहता है कुछ, तो उसकी अच्छे से जाँच की जानी चाहिए सबसे पहले तो यही है, और उसके बाद न्यूज़ चैनल्स पे। और ये बात हमारे इसी के लिए नहीं, कुछ भी है आजकल जैसे कि न्यूज़ चैनल पे वहाँ पे क्या हिंदू मुसलमान वो सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जो आज के इश्यूज हैं उन पे बात नहीं करते वो जो बेरोजगारी है ठीक है, जो कुछ भी आज के ये इश्यूज हैं वहाँ उस पर बात नहीं करते, वो अलग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, तो इसके लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए, जैसे इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी किसी के बारे में कोई भी सूत्रों के हवाले से कोई खबर देता है लेकिन उस पर आदमी को, क्योंकि सारी जनता बोली वाली है उनको इतना भी नहीं है, आजकल हम इतने एडवांस होना चाहते हैं, हम व्हाट्सएप पे हमारा कोई मैसेज आया हम उस पर विश्वास कर देते हैं, तो अगर कोई चैनल से दिखा रहा है तो हम उस पर विश्वास जरूर करेंगे, तो इसलिए कि उस पर सेंस बोर्ड होना चाहिए या फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी के बारे में ऐसे रूमर ना फैलाएं ताकि समाज में अस्थिरता आती है इससे। सर आदिवासियों, हाँ जी हाँ बिल्कुल, आदिवासी को अब देख लो कि हर बार आदिवासी आपको पता ही होगा, जैसे उदयपुर में आदिवासी थे, उनका उनका जीवन इस तरीके से था कि वो पशु मार के खा जाते थे और उनको जिंदगी जीने का सलीका नहीं था, वो अगर वहाँ पे कोई और जाता था ठीक है, जैसे कोई सिविलियन जाता उसको भी मार देते थे वो, लेकिन गुरुजी ने उनको इस जीवन धारा से जोड़ा, उनकी शादियाँ करवाई, अब भी जब सत्संग होती है तो वहाँ पे 100-100 इकट्ठी उनकी शादी होती है ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो खुद बताते हैं, हम नहीं कहते कि हम पे विश्वास करो, आप जाओ उनसे पूछो, वीडियोज हैं, आप उनके पास जाके पूछ देखो कि हाँ हमारी तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया गुरु जी कहने के बाद। सर मंदबुद्धियों के लिए गुरु जी ने कुछ किया? हाँ जी हाँ, वहाँ पे बन इसके अलावा हर जैसे कि हम 134 मानवीय काम है, उसमें काम ये भी है, एक कार्य यही भी है कि मंदबुद्धियों के लिए अलग से भी वहाँ पे बनाया हुआ है, और इसके अलावा भी अगर वो उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मिलता है जैसे कोई गुम हो जाता है तो उनको पहले तो पूरी अपनी संगत को ही कहा है कि आप उनको ख्याल रखो, और उसके अलावा अगर नहीं कुछ बनता तो यहाँ पे छोड़ के जाओ ठीक है, उसके बाद अलावा जो लाइलाज बीमारियाँ होती हैं ठीक है, उनके भी लिए भी वहाँ से अलग एक जगह बनाई हुई है, तो हर जितनी भी बुराइयाँ उनके लिए काम दरबार कर रहा है, और हम यही
यही कहना चाहते हैं कि पूरे समाज से और मीडिया से और हमारी सरकार से कि इतनी बुराइयां जो समाज में, हमारा सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम एक साथ मिलें और इन बुराइयों को दूर करें, और जो जो जिन आदमी को इनमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है आप उनको बदनाम मत करें, उनको समाज में लेके आए ताकि वो और ज़्यादा काम कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने सुना कि गुरुजी ने एक पुरुष प्रधान देश में एक स्त्री का किस तरीके से अस्तित्व बनाने की कोशिश करी है, हम सोचते हैं कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस बनाएं ताकि वो खुद सेफ रहे, मगर गुरुजी ने एक कदम आगे सोचा कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस नहीं एक फोर्स की तरह ट्रेनिंग दिया ताकि वो खुद तो सुरक्षित रहे और देश में जब भी आपदा विपदा आती है तो उसको भी, सामने वाले को भी सुरक्षित करें और हमारे देश के भविष्य में पुरुष जितना कंधे से कंधा मिलाकर चले। कहने की बात तो सब कहते हैं मगर किया जो गुरुजी ने, एक कदम आगे बढ़ के जो आए वो गुरुजी है, उसके बावजूद मीडिया चैनलों ने जो उस फोर्स को इतना बदनाम किया। लोगों की डिमांड यही है कि मीडिया चैनल जो भी दिखाता है उस पर कार्यवाही करी जाए, कोई भी खबर सूत्रों के हवाले से अगर आती है पूरी तरीके से उसकी जाँच पड़ताल करी जाए, उसके बाद ही उसको पास करा जाए। क्या आपकी राय भी ये है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।